मैम क्वेश्चन मेरा था लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है अंग्रेज का। ठीक चले सही है, ठीक है। तो जी हतीम हुसैन का क्वेश्चन है। ओके, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। एक्चुअली आप ये जो पाइथन सीख रहे हैं ना, ये हर जगह यूज होगी। फर्स्ट थिंग कि ये आप जब कोडिंग करेंगे, ठीक है, या फिर आप लीड कोड की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप उसको पाइथन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग ये कि अगर आप इसको वेब डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, सही है, तो उसमें आप क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट में ये कैसे काम आती है। अब जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें आप ऑब्वियसली कोई ना कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब आप सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर देखते हैं या सॉफ्टवेयर क्रिएशन देखते हैं तो उसमें फ्रंट एंड भी इम्पेक्टेड होता है, ठीक है। फ्रंट एंड को आप इम्बेड करते हैं बैक एंड के साथ। अब बात आती है कि फ्रंट एंड और बैक एंड वेबसाइट के लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फ्रंट एंड वो चीज होती है जो चीज आपको नजर आ रही होती है। अगर मैम निम्रा आप यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन करें, यहाँ पे आई थिंक आपके जो टैब्स हैं इनमें कोई ओपन भी होगी, कोई भी वेबसाइट ओपन ओके करें, ठीक है। ओके मैम, और यानी कि जो चीज उस यूजर को शो हो रही होती। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ओके ये ये एक जो आपको वेबसाइट है। इंटरफेस, आपको जो उसका इंटरफेस शो हो रहा है सारा, ठीक है, वो होता है फ्रंट एंड, ठीक है। और उसके जो बैक एंड पे वर्किंग हो रही होती है और वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं बैक एंड, जहाँ से सारे आपके एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, सारी आपकी वेबसाइट मॉनिटर हो रही होती है, ठीक है। सारी डिजाइनिंग जो होती है वो बैक एंड में होती है, ठीक है, कि आपका डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, डाटा बेस में जा रहा है, वट एवर, ठीक है। तो अब आपने फ्रंट एंड पे अगर काम करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप या तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप एक फ्रंट एंड बना लेते हैं, ठीक है। उसमें आपने जो फीचर्स भी रखने हैं, ठीक है, आपने उसका हेडर डिजाइन करना है, आपने उसका नेविगेशन बार डिजाइन करना है या सेक्शन बॉडी, जो भी आपने डिजाइनिंग करनी है आप उसका HTML, CSS में आप उसको डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। और जो जावास्क्रिप्ट यूज होती है HTML, CSS के साथ, वो आपके फ्रंट एंड में जान डालती है, ठीक है। इट मींस कि आप जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं आप वो जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये तो फ्रंट एंड बन जाता है किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का। अब बात आती है कि उसके साथ रिस्पॉन्सिव बनाना है हमने किसी भी फ्रंट एंड को, ठीक है। यार यहाँ पे ना आप कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन कर लें, कोई ई कॉमर्स की कर लें वेबसाइट ओपन, या फिर आप कोई शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट, कुछ भी आप अमेजोन ओपन कर लें, कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर लें। आप लोगों ने फेसबुक तो ऑब्वियसली देखी होगी ना, फेसबुक, ट्विटर, जो भी फ्रंट एंड है किसी भी चीज का। अब आपके सामने ये भी जो शो हो रहा है ना, जहाँ पे आपको सारे ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं कि आप जो है वो यहाँ से वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं, लिंक्स, तो ये भी आपके पास एक फ्रंट एंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, ये एक अमेजोन की वेबसाइट ओपन हो गई है, ये आपके पास अमेजोन का फ्रंट एंड आ गया है। अब इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको बैक एंड की जरूरत है। अब हमें ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअली पाइथन कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। अगर तो आपने यहाँ पे पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो फ्रेमवर्क्स पे बताना चाहेगा, पहले हैंड रेस करें फिर आप जो है वो बताएं जी कि कौन कौन से फ्रेमवर्क्स होते हैं पाइथन के, अगर किसी को आइडिया है। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं जी, पाइथन के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जेंगो और फ्लास्क, ठीक है, आप इसमें बैकएंड डिजाइन कर सकते हैं। और बैकएंड डिजाइन करने के बाद आप अब अपनी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, आप उसको एम्बेड कर सकते हैं फ्रंट एंड के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा कि आपने पाइथन को वेब डिवेलपमेंट में कैसे यूज करना है। आप पाइथन को वेब डिवेलपमेंट में एज अ बैकएंड यूज कर सकते हैं, जिसमें आप पाइथन सीखते हैं, आप उसके फ्रेमवर्क्स जो होते हैं जेंगो और फ्लास्क, इसमें ओवरऑल पाइथन का सारा सिंटैक्स यूज हो रहा होता है, ठीक है, आप उनको यूज करते हुए एक बैकएंड डिजाइन करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने वेबसाइट को या अपने सॉफ्टवेयर को आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसी तरह ऐप डेवलपमेंट में भी जो है वो पाइथन बड़ा रोल प्ले करती है। पाइथन के फर्दर जो फीचर्स होते हैं, फर्दर जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, इनको यूज करते हुए, आप फ्लास्क को यूज करते हुए भी आप ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, वैसे मैंने काफी डेप्थ में आपको आंसर दे दिया। नो मैम, क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। ओके चलें, ठीक है जी, फिर कंटिन्यू करें। ओके, लास्ट क्लास में हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की बात कर रहे थे।
तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्सिंग के बेस पे हम उसकी स्लाइसिंग करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगी। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले रहे थे हेलो की, तो हेलो में हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं किससे सब स्ट्रिंग बना लूँ, यानी ऐसी स्ट्रिंग जिसमें इसमें से कुछ कैरेक्टर्स जो है वो हैं, लेट्स सपोज अगर मैं चाह रही हूँ सिर्फ ये दो कैरेक्टर्स की सब स्ट्रिंग बन जाए, तो मैं बना सकती हूँ थ्रू स्लाइसिंग। अगर मैं चाह रही हूँ कि थ्री का हो तो भी मैं कर सकती हूँ। तो अगर मैं चाह रही हूँ कि ये लास्ट टू वाली कोई सब स्ट्रिंग बन जाए तो भी मैं कर सकती हूँ। और जो प्रोसीजर मुझे यूज करना पड़ेगा उसे मैं कह रही हूँ स्लाइसिंग। तो बेसिकली स्लाइसिंग का एक सिंटेक्स होता है, और सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है कि हमने जो भी अपने वेरिएबल का नाम रखा है, उसके बाद हम ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगाते हैं। स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगाने के बाद हमें तीन वैल्यूज देनी पड़ती हैं, और ये तीनों ऑप्शनल होती हैं। हम एक होता है हमारे पास स्टार्ट, कि हमने जो स्लाइसिंग करनी है वो स्टार्ट कहाँ से करनी है। लेट्स सपोज अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो सबस्ट्रिंग आए वो 0 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक आए, तो मुझे स्टार्ट की वैल्यू देनी पड़ेगी 0। उसके बाद मुझे एक कॉलन लगाना पड़ेगा। इसका सिंटेक्स इस तरह है कि दरम्यान में एक लगेगा कॉलन, और उसके बाद मुझे देना पड़ेगा एंड, कि मैं अपनी जो सबस्ट्रिंग है या स्लाइसिंग है वो किस पॉइंट तक करना चाह रही हूँ। अच्छा, एंड में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, वो चीज ये है कि अगर मैं चाह रही हूँ कि लेट्स सपोज ये 1 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स है, और ये 3 इंडेक्स है, ठीक है, और नेक्स्ट वाला 4 इंडेक्स है। अगर मैं चाह रही हूँ कि 3 इंडेक्स तक इंडेक्सिंग हो, यानी ये जो 4 वर्ड्स हैं ये प्रिंट होके आए, तो मुझे एंड 4 देना पड़ेगा। यानी मैं एंड में जो भी वैल्यू दूंगी वो उससे एक नंबर पहले तक का प्रिंट करवाएगा और उस वाले को निकाल देगा, उसे इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे वर्क करेगा, अगर मैं इसे कहती हूँ कि 0:4, तो ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 वाले को प्रिंट करवा देगा, 1 वाले को भी प्रिंट करवाएगा, 2 वाले को भी प्रिंट करवाएगा, 3 वाले को भी प्रिंट करवाएगा। लेकिन जब देखेगा ना कि एंड पॉइंट 4 है, तो वो कहेगा ओके मैंने 3 तक ही मूव करना है, इससे नेक्स्ट मैं मूव नहीं करूंगा, ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि नेक्स्ट वाला भी हो प्रिंट, तो फिर हमें इसे 5 इंडेक्स देना पड़ेगा। यानी जो भी हम एंड की वैल्यू रखेंगे ये उससे एक पहले पॉइंट तक जाके रुक जाएगा। ओके, इस बात की सबको समझ आ गई है, जी ठीक है। उसके बाद हमारे मैम, पास एक और, जी अगर हमने एच और ओ करवाना हो सिर्फ प्रिंट, तो वो हम क्या करेंगे? वेल उस केस में हमारे पास स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है। स्लाइसिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास ना जो एडजेसेंट कह लें या कंसेक्टिव कैरेक्टर्स है ना, उन्हें हम एक किस्म का कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर ओके मैं इन दो को ले लूं या इससे नेक्स्ट वालों को ले लूं, तो वो स्लाइसिंग ये कह लेना कि पीस बन रहे हैं ऐसे, इकट्ठी जो चीज है ना उसके पीस हम बना सकते हैं। मतलब इन दो के बना सकते हैं, इन तीन के बना सकते हैं, नेक्स्ट हम ऐसे मूव कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, और जो थर्ड चीज हमने देनी होती है वो देनी होती है स्टेप। स्टेप का मतलब ये है कि हमें स्लाइसिंग करनी मैम है। मैम ये वैसे सिंगल 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 वैल्यू भी उठा सकते हैं स्लाइसिंग में, जी सिंगल वैल्यू भी, जैसे जी बिल्कुल, ये ऐसे होगा फिर। अब मैं अगर मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ 0 इंडेक्स प्रिंट हो, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, 0, और 0 के बाद, अच्छा मुझे बताएं आगे मैं एंड पॉइंट क्या लिखूं। अगर सिंगल उठाने तो 1 लिखते हैं। यस, 1 लिखने का मतलब ये है कि ये 1 पे नहीं जाएगा, उससे पहले तक ही रहेगा, तो इसका मतलब 0 से स्टार्ट करके 0 पे रुक जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ एच प्रिंट होगा, और मैं इसे कहूंगी ये स्लाइसिंग हो गई है। ओके, अब यहाँ पे होता है स्टेप। स्टेप का मतलब ये है कि अगर मैं चाह रही हूँ कि ये हेलो जो है इसमें क्या हो कि सारे के सारे करेक्टर्स मतलब ऐसे प्रिंट होते जाएं, मतलब पहला हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे सारे के सारे करेक्टर्स हों, तो मैं ऐसे कहूंगी कि +1 का स्टेप लो, मतलब एक एक पॉइंट आगे मूव करते जाओ, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे वर्क करेगा कि अगर पहला इंडेक्स 0 था वो 0 में 1+ करेगा और देखेगा अगला इंडेक्स क्या आ रहा है, 1, तो वो 1 को प्रिंट करवा देगा। देन 1 में फिर 1+ करेगा क्योंकि मैंने उसे स्टेप 1 का कहा हुआ है, तो वो 1 में 1 ऐड करके फिर चेक करेगा कि अब इंडेक्स क्या आ रहा है। तो इस दफा 2 2 आ रहा है, तो वो 2 वाला प्रिंट करवा देगा, ठीक है। लेकिन इन केस
अगर मैं स्टेप की वैल्यू लेट सपोज प्लस टू दे देती हूँ, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो हर एक इंडेक्स में टू टू को ऐड करेगा, यानी जीरो में जब टू ऐड करेगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू। तो वो जीरो इंडेक्स को प्रिंट करवाने के बाद, यानी कि एच को लेने के बाद, एक सेकेंड, ओके, एच को लेने के बाद वो फिर एक को छोड़ेगा, इस वाले को छोड़ेगा, इसे नहीं करेगा, और इससे नेक्स्ट वाले को कंसीडर करेगा, ठीक है। तो ये एल आ जाएगा, और फिर उसके बाद वो देखेगा कि अब क्या नेक्स्ट मैंने क्या करना है। यहाँ अभी मैं टू इंडेक्स पे हूँ, टू इंडेक्स में मैंने टू का स्टेप लेना है, तो मैं कौन सा प्रिंट करवा सकता हूँ, फोर प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो इसे भी कंसिडर नहीं करेगा और इससे नेक्स्ट वाले को लेगा और उसे प्रिंट कर देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। मेरा ख्याल है अहमा का क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि अगर हमने एच और ओ को लेना हो तो वो भी पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल है, कोई बताना चाहेगा? जी अगर मैम, हम यहाँ अगर हम स्टेप क्लास में, फोर की, स्टेप में, अगर क्लास फोर के स्टेप से अगर मूव करें तो यस, वो प्लस फोर ई के स्टेप डबल से अगर आर मूव पॉसिबल। करें, जी बिल्कुल, वो पहले जीरो इंडेक्स वाला प्रिंट करवाएगा, देन उसमें फोर ऐड करेगा, तो वो डायरेक्टली फोर इंडेक्स पे चला जाएगा। इसका मतलब वो दो ही चीजें प्रिंट करवाएगा और वो होंगी एच और ओ। इस बात की सबको समझ आ गई? जी ओके। अच्छा, अब कुछ और बेसिक पॉइंट्स हैं, वो मैं क्लियर करना चाहूंगी। अब होता क्या है, अगर मैं लिख रही हूँ अपनी स्ट्रिंग, मतलब लेट्स सपोज मैंने लिखा कि एक्स, एक्स के अंदर मैंने कुछ भी स्टोर करवाया, लेट्स सपोज मैं स्टोर करवा रही हूँ ए बी और सी, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या है? 2 3 सॉरी सी थ्री, मिला जी दो। मैम, ठीक है, जी और इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है? ओके, टू मैं तक, साथ साथ लिख भी जीरो लेती हूँ। से टू लेंथ तक, जो है जीरो इसकी टू वो थ्री है, और इंडेक्सिंग कहाँ से जा रही है? टू तक जाएगी। जीरो से टू, जी, जीरो से लेके टू तक मूव करेगी, ठीक है। अब अगर मैं चाह रही हूं ना कि मैं स्लाइसिंग भी करूं, ठीक है, और ये पूरी की पूरी भी आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक्स लिखूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगी, और सिंपली क्या करूंगी, यहाँ कॉलम्स लगा दूंगी। अब क्या होगा, मैंने उसे कोई वैल्यू नहीं दी, ना मैंने उसे स्टार्टिंग वैल्यू दी है, ना मैंने उसे एंडिंग वैल्यू दी है, ना ही मैंने उसे स्टेप दिया है, ठीक है। इस सिनेरियो में वो क्या करेगा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कुछ इस तरह वर्क करेगा। वो सबसे पहले चेक करेगा कि अच्छा मुझे कोई स्टार्ट दिया है, तो वो देखेगा कोई स्टार्ट नहीं है, तो वो कहेगा ओके मैं बाय डिफॉल्ट चलता हूँ, मैं ना जीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर वो चेक करेगा क्या मुझे कोई एंडिंग पॉइंट दिया है, इन्होंने तो मुझे एंडिंग पॉइंट भी नहीं दिया, तो अब वो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं ना जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं एंड तक चला जाता हूँ, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स करवा देता हूँ, ठीक है। और फिर जब वो देखेगा कि स्टेप कितना दिया है मुझे, तो उसे पता चलेगा कि स्टेप भी नहीं दिया, तो वो कहेगा मैं इस केस में भी बाय डिफॉल्ट चलता हूँ, और बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो प्लस वन का होता है, ठीक है। तो अगर ये सिनेरियो हो, यानी हमने उसे कोई एक चीज भी स्पेसिफाई ना की हो, तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी ये वाली जो स्ट्रिंग है इसे प्रिंट करवा देगा। इस बात की सबको समझ आ गई है? मगर यहाँ पर स्लाइसिंग को यूज ही ना करें, अकेला प्रिंट टेस्ट कर दे तो वो भी तो वही काम करेगा। नहीं, मैं देखिए अभी ना सिर्फ आपको कुछ पॉइंट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट चीजें कैसे मूव करेंगी, ठीक है। आगे मैं मजीद आपको बताती हूँ ना, ठीक मैं क्यों आपको ये कह रही हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं ये बताना, बेसिकली ये बताना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा एक्स, अच्छा मैंने पोजीशंस क्या बताई है, सबसे पहले क्या चीज होगी, स्टार्ट जीरो पॉइंट, जी जीरो नहीं, स्टार्ट पॉइंट होगा, और सेकंड वन क्या होगा, स्टेप नो, पहले स्टार्ट एंड देन एंड, और लास्ट पे हम स्टेप बताएंगे, ठीक है। अच्छा आप मुझे कोई बताए इस केस में ओके क्या होगा, मैं लिख रही हूँ वन कॉलन, इसे कॉलन ही समझे प्लीज, और फिर कॉलन, और ये क्या प्रिंट करके देगा? ओके, ये कॉलम्स हैं, कोई मैम, वो बताना ए को चाहेगा क्या? छोड़ देगा, बी और सी को प्रिंट कर देगा। और इसकी वर्किंग कैसे होगी, आप ये बताना चाहेंगे मुझे? मैंने उसे सिर्फ एक वैल्यू दी है, जो कि मैंने उसे स्टार्टिंग वैल्यू दी है, बाकी उसे कैसे पता चले और वो कैसे वर्क करेगा? बाय मैम डिफॉल्ट वो स्टार्ट को, चलेगा, फिर स्टार्ट यस तो उसने वन से करेगा, बाकी तो स्टार्ट बाय जी वन से, डिफॉल्ट। ओके,
इसका मतलब ये, मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारे पास तीन चीजें हैं और तीनों की तीनों ऑप्शनल है, ठीक है? अगर हम उनमें से कोई एक दे देते हैं और बाकी दो नहीं देते दे, तो इंटरप्रेटर जो है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज यूज करेगा, ठीक है? इस केस में जैसे कि मैंने जो स्टार्टिंग वैल्यू वो दी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एंड भी खुद कंसिडर करेगा कि ठीक है, मैं आपको, आपने मुझे स्टार्टिंग पॉइंट दिया तो मैं ना एंड तक इसे ले जाऊंगा, ठीक है? और स्टेप भी वो खुद ही कंसिडर करेगा कि बाय डिफॉल्ट जो स्टेप लेना होता है ना वो +1 का लेना होता है, तो मैं +1 का ही स्टेप लूंगा, ठीक है? अब अगर इस केस में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे आपने कहा कि क्या प्रिंट होके आएगा, बी प्रिंट होगा और सी प्रिंट होगा, ठीक है? अच्छा अगर मैं ये लिखूं एक्स और उसके बाद कॉलन और देन मैं लिखूं 1 और कॉलन, अब क्या होगा, अब क्या प्रिंट करवाएगा वो? मैं सिर्फ ए को प्रिंट करवाएगा, मतलब क्या हुआ इसमें, हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, जीरो जीरो, लेगा वो। जी वो जीरो लेगा, और एंडिंग पॉइंट मैंने उसे क्या कहा है, 1, और फिर उसके बाद वो स्टेप लेगा 1 का, ठीक है? तो अब क्या हुआ, उसने सबसे पहले चेक किया कि ठीक है मैंने स्टार्ट सॉरी जीरो से करना, वो जीरो वाला प्रिंट करवा देगा यानी कि ए को प्रिंट करवाएगा, देन वो देखेगा कि मैंने एंड कहाँ करना था, एंड तो मैंने 1 पे करना था, इसका मतलब मैं 1 पे नहीं जा सकता, मुझे 1 से पहले पहले प्रिंट करवाना है, तो वो यही एक एलिमेंट प्रिंट करवा देगा। ओके सबको समझ आ गई इस बात की? यस क्लियर। ओके तो बेसिक पॉइंट यही था कि इन केस अगर हम कोई एक या दो वैल्यूज दे रहे हैं तो जो रिमेनिंग वैल्यू है ना वो इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हम वो रन करके देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। ओके यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग थी एक्स में, मैंने स्टोर करवाई हेलो एंड देन मैंने प्रिंट करवाया, बताना चाहिएगा पहले का आंसर क्या आना चाहिए? पहले का हेलो प्रिंट होगा। ओके नवीद अली का एक क्वेश्चन है, मैं उसे आंसर करना चाहूंगी। नवीद होता क्या है हमारे पास, जब क्योंकि अभी ना आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं देख रहे पाइथन का ना, लेकिन अगर आप लीट कोड को देखें या किसी भी प्रॉब्लम को देखें यानी जिसने हमने सॉल्व करना है, ठीक है, हमारे पास एक इनपुट डेटा होता है उस पर हमने वर्क करना होता है, तो उस केस में हमें अक्सर स्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रिंग तो होती है लेकिन हमने उसमें से कुछ हिस्सा यूज करना होता है। लेट्स सपोज उसके पहले 3 एलिमेंट्स जो हैं वो यूज करने हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बाकी जो स्ट्रिंग है वो चाहिए ही नहीं होती, हमने सिर्फ उसका फर्स्ट कैरेक्टर या सेकंड कैरेक्टर या पहले 3-4 कैरेक्टर्स ही लेने होते हैं, तो हम क्या करते हैं उससे बनाते हैं सब स्ट्रिंग थ्रू स्लाइसिंग और फिर उसे हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। ओके आप प्लीज ये बता दें आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके आई एम नॉट श्योर कि वो मीटिंग में है भी कि नहीं, तो बाकियों को आइडिया हुआ है कि हम स्लाइसिंग कहाँ यूज करते हैं? यस मैम। ओके ओके ठीक है, थैंक यू नवीन। ओके अब क्या हो रहा है, अब फर्स्ट वाले में क्या प्रिंट होगा, क्या आंसर दिया आप लोगों ने? हेलो पूरा प्रिंट हो जाएगा। जी हेलो पूरा प्रिंट होगा। ओके इन केस अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, लेट्स सपोज मैं 3 लिखती हूँ, अब क्या प्रिंट होना चाहिए? तो मुझे ये बताएं कि ये 3 मैंने क्या वैल्यू दिया, इज इट स्टार्टिंग पॉइंट, इज इट एंडिंग पॉइंट और स्टेप, व्हाई, कैसे आपने जज किया इसे? मैम आपने फर्स्ट कॉलम लगाया ना, तो फर्स्ट कॉलम के बाद एंड पॉइंट ही होता है। तो मैं ये सपोज कर सकती हूँ या कह सकती हूँ कि जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाती हूँ और पहली वैल्यू लिखती हूँ उसे मैं हमेशा स्टार्ट मानूंगी, और फर्स्ट कॉलम के बाद जो मैं वैल्यू लिख रही हूँ उसे मैं एंडिंग पॉइंट कहूंगी, और अगर मैं यहाँ थर्ड वाला लगाती हूँ और उसके बाद जो भी लिखूंगी वही मेरा स्टेप होगा। इस बात की भी सबको मतलब समझ आ गई है ना कि इंटरप्रेटर कैसे उसे इंटरप्रेट कर रहा है? ओके पहले हम इसे एक दफा प्रिंट करवा के देखते हैं, पहले और क्या आंसर आना चाहिए, पहले मुझे ये बता दें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा और क्या? एल आएगा मैम। HEL हेलो। यस मैम। यानी कौन से इंडेक्स से लेके कौन से इंडेक्स तक ये प्रिंट करवा रहे हैं? 0 से लेकर 2 तक। ओके लेट्स चेक इट।
क्लियर हो गया सबको। और एक और बात, अगर मैं यहाँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप जो है वो वन का आ रहा था, अगर मैं ये टू लिख दूं तो अब क्या आना चाहिए, आउटपुट क्या आना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी जीरो है, एंडिंग पॉइंट अभी भी थ्री है, लेकिन मैंने स्टेप टू का लिख दिया। एक मिनट, मैं इसे एनोटेट करके आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। आपने अभी कहा कि एच आएगा सिर्फ, देखिए हमारे पास क्या था, जीरो, यानी उसने पहले जीरो प्रिंट करवाया, फिर उसने देखा कि मैंने स्टेप कितने का लेना है। हमने कहा कि आपने टू का स्टेप लेना है, जीरो प्लस टू कितना होता है? तो टू जो है वो एंडिंग पॉइंट से पहले पहले का पॉइंट है ना? यस मैम। तो इसका मतलब ये प्रिंट करवा सकता है वो? यस मैम, थ्री वो दो आएगा। जी जी जी, वो दो चीजें प्रिंट करवाएगा, एक एच प्रिंट करवाएगा और एक एल प्रिंट करवाएगा। जिन्होंने कहा था सिर्फ एच प्रिंट करवाएगा, प्लीज वो बता देंगे, उनका क्लियर होगी ये बात? यस क्लियर है। ओके हम इसे रन करते हैं, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ छोटा सा चेंज और करूं, लेट्स सपोज मैं यमन लिख देती हूं, अब क्या आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट वन, एंडिंग पॉइंट थ्री, स्टेप टू, ये आएगा। मैं अकेला मैम, कुछ भी नहीं आएगा मेरे पास, अकेला ये आएगा मैम। मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट वन है, वन पे क्या पड़ा हुआ है? ई को तो वो कंसीडर करेगा, ठीक है ना? इस पे तो सब है ना, मुत्तफिक है, जी कंसीडर करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट को वो हमेशा कंसीडर करेगा। अब वन को उसने कंसीडर कर लिया, तो स्टेप कितने का लेना है? टू का। वन प्लस टू कितने के बराबर हो जाएगा? थ्री। अब थ्री पे कुछ वैल्यू तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो इससे बाय नहीं जा सकता, ठीक है ना? यानी वो टू तक उसने प्रिंट करवा सकता था, थ्री को तो वो प्रिंट ही नहीं करवा सकता, तो वो इसे इग्नोर करेगा और वो सिर्फ इस वैल्यू को लेके आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? यस, ई आएगा। ओके, मेरा क्वेश्चन है जी, प्लीज ये देख लें सबको, मेरा ख्याल है ये बात क्लियर होगी। जी, जिनका क्वेश्चन है वो पूछे। मैम अगर हम उसको स्टेप को ऐसा दे देंगे हमारी जो स्ट्रिंग उसे एक्सीड कर जाए, फॉर एग्जांपल अगर स्टेप दे ओके ओके ट्राई कर लेते हैं। देखिए मेरी बात सुन, अच्छा ठीक है, मैं पहले ट्राई करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। आप कह रहे हैं कि स्टेप ना मैं दूं इस केस में, पहले दोनों स्टार्ट और एंड पॉइंट कुछ भी ना दें, यानी वो बाय डिफॉल्ट ले और स्टेप ओके ओके बाय डिफॉल्ट, ठीक है ठीक है। और मैं स्टेप कितने का दूं? सिक्स का। स्टेप आप क्या कह रहे हैं कि कितने का दूं? कि स्टेप भी नहीं सिक्स कह रहे हैं, सिक्स कह रहे हैं, ओके ओके ठीक है, सॉरी दो कॉलम लगाऊंगी देन वो इट इज स्टेप कंसीडर करेगा। ओके मैंने ओके बताना चाहिएगा क्या होगा यहाँ पे? मैम उसने जो बाय डिफॉल्ट लिया था वो आपके बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू, उसने पहले इंडेक्स जीरो वाली वैल्यू उठाई है। जी मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट उसने जी स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो उसने जीरो लिया हुआ था, ठीक है। तो उसने देखा कि स्टार्ट इन्होंने कहा जीरो से करना है, तो मैं जीरो वाले को तो आराम से प्रिंट करवा दूं, ठीक है, एच को। ओके नेक्स्ट उसने देखा कि स्टेप कितने का ले रहे हैं, स्टेप हमने कहा था सिक्स का, और दूसरी साइड पे वो जा किस पॉइंट तक अब जा सकता है, मतलब इस केस में कोई बताएगा किस इंडेक्स तक वो मूव कर सकता है? अगर मैं ये वाला प्रोग्राम लिखूं तो इसका क्या मतलब है, वो कहाँ तक जा सकता है, किस इंडेक्स तक? फाइव इंडेक्स तक जा सकता है, सिक्स तक, फाइव तक। वो इस स्ट्रिंग के एंड तक जा सकता है, और इस स्ट्रिंग के एंड पे क्या है हमारे पास, क्या है इसकी जो लेंथ है वो फाइव है, और हमेशा लास्ट इंडेक्स क्या होता है, एन माइनस वन। यस मतलब फाइव माइनस वन, तो वो कितना हुआ? फोर। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें मूव वो कर सकता है जीरो से लेके फोर तक। तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आई,
उसने देखा, उसने कहा जीरो मैंने प्रिंट करवाना है, उसने जीरो तो प्रिंट करवा दिया, लेकिन जब उसने सिक्स ऐड किया ना, स्टेप को ऐड किया, तो उसने देखा कि सिक्स, तो उसे पता चला कि ये जो मैंने एंड करना था ना जिस पॉइंट पे, ये तो स्टेप उससे भी बड़ा है, तो वो सिंपली क्या करेगा कि सिर्फ इसे ही रिटर्न कर देगा और कोई चीज आगे हमारे पास वैल्यू या कोई एलिमेंट और इसमें ऐड नहीं करेगा। जिनका क्वेश्चन था उन्हें क्लियर हो गया? जी मैम। ओके अच्छा चले मैं एक और चीज ट्राई करती हूँ। लेट्स सपोज मैं उसे स्टार्टिंग पॉइंट ही ऐसा दे देती हूँ कि वो उसकी रेंज से बाहर है, हमारे पास ये मूव कर सकता है जीरो से लेके फोर तक, और मैं इसे कह देती हूँ फाइव, देख लें ये एरर आएगा। मैम फाइव के बाद कॉलन आएगा? जी कॉलन आएगा, नहीं तो अदरवाइज वो तो उसके कह सकते हैं उसे प्रिंट करवाएगा। ओके वो हमें कोई आउटपुट नहीं दे रहा। मसला ये हुआ कि वो सबसे पहले देखेगा कि इसका जो है फाइव इंडेक्स क्या है, तो वो देखेगा कि फाइव इंडेक्स तो पॉसिबल ही नहीं है इसका, ये तो मेरी स्ट्रिंग ही खत्म हो जाती है, फाइव पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो वो हमें कह लेंगे आउटपुट ही नहीं दे रहा। ठीक है सबको समझ आ गई है? Yes. ये जो मैंने नीचे प्रिंट लिखा है मैं तो बताना चाहिए इसमें क्या प्रिंट होना चाहिए। L और O print. प्लीज थोड़ा डिस्क्राइब भी करें। डबल L O आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जी डबल L O आएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दो है। ओके और ये कहाँ तक जा रही है? एंड तक जा रही है। एंड तक जा रही है। ओके मतलब लास्ट डबल L O फोर तक जा रहा है। ठीक है O तक जा रहा है। जी ओके ठीक है फिर ये हमारे पास हमारे पास सेकेंड इंडेक्स पे है L, ये यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, ये सेकेंड इंडेक्स है ठीक है, और इसके आगे जो भी है उसे एंड तक प्रिंट करवाता जाएगा, मतलब डबल L और साथ में आगे हमारे पास O प्रिंट होगा। ओके यस क्लियर। लेट्स सपोज मैं ना एक स्टेप दे देती हूँ इसे और स्टेप दे देती हूँ, अब क्या प्रिंट होगा? मैम अकेला L। ओके मैं इसे एनोटेट करती हूँ फिर आपको समझ आएगी। L O एंड O, ये L था इसका था टू इंडेक्स ठीक है, उसने सबसे पहले ये L तो प्रिंट करवा दिया, देन उसने स्टेप ऐड किया तो उसने देखा कि स्टेप ऐड करने के बाद मेरे पास फोर आ रहा है, तो फोर इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? O पड़ा हुआ है। O इसका मतलब वो इस L को भी प्रिंट करवाएगा, देन इस L को इग्नोर करते हुए या इस L को नहीं कंसिडर करेगा और इस फोर को प्रिंट करवाएगा, यानी O को प्रिंट करवाएगा। चले हम एक दफा रन करके देखते हैं इसे। क्लियर है? जी मैम। ओके अब मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि स्लाइसिंग किस तरह कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं। अच्छा इसमें अब है कि ओके वन सेकंड मैं ना बिल्कुल सेम वही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने ये इसे एक्सरसाइज के तौर पे लें, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब आप स्लाइसिंग के मास्टर बन गए ठीक है। ओके अभी मुझे रन नहीं करना चाहिए था। ओके ये हमारे पास स्ट्रिंग है और काफी लंबी स्ट्रिंग है, सबसे पहले हम इसकी लेंथ एक दफा प्रिंट करवा के देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये स्ट्रिंग कहाँ तक जा रही है ठीक है। प्रिंट अच्छा लेंथ कैसे प्रिंट करवाएंगे बताना चाहेगा? ln ऑफ स्ट्रिंग, ln फंक्शन यूज करते हैं। ओके हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है ln और उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग को लिखेंगे, हमारी लेंथ प्रिंट होके आ जाएगी। स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 37 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इंडेक्सिंग कहां से लेके कहां तक है? 0 to 36। यस 0 to 36। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सब कंट्रीब्यूट किया करें ताकि आपको सबको समझ आए, अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे तो मुश्किल है आपको समझ आए, और जहां कोई प्रॉब्लम हो वहां प्लीज रोकें और क्वेश्चन करें। ओके किसी पार्टिसिपेंट ने कहा कि 0 से लेके ये 36 तक मूव करेगी, तो सब मुत्तफिक हैं इस बात से? ऐसे ही है? यस ठीक है। अब मुझे क्यों बताना चाहेगा कि इस स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? स्पेस 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 यस नॉन ई। हमने
एक सेकंड, किन्होंने ई किन्होंने कहा है, मतलब क्या आपने ई बोला है? Yes, W जीरो पर है और E वन पर है। प्लीज देखिएगा, W जो है वो जीरो इंडेक्स पे पड़ा है। हम ये कहते हैं कि हमेशा हमारी स्ट्रिंग जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग वो जीरो पे पड़ा है। E जो है वो वन इंडेक्स पे पड़ा है। इसी तरह हमने ये कहा, बार बार ये कह रहे हैं कि पाइथन में इंटरप्रेटर जो है वो स्पेस को भी एक करेक्टर कंसिडर करता है। इसका मतलब जो ये है ये टू इंडेक्स है, एंड देन A जो है वो थ्री इंडेक्स है। इस बात की समझ आ गई आपको? प्लीज बता दे। Yes, exactly. Okay. अच्छा, अब आप सबने कहा कि टू पे स्पेस है, ठीक हो गया। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि चेक करूं कि इसके 36 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, तो 36 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा? जी जी पड़ा होगा। Okay. डॉट पड़ा होगा, डॉट मैम, डॉट पड़ा होगा। कंफर्म? यस फुल स्टॉप, ये ठीक है। और वो तो कोई अल्फाबेट नहीं है, तो उसे वो क्यों कैरेक्टर या कोई एलिमेंट क्यों कंसीडर कर रहा है? मैम वो कैरेक्टर सिंबल कैरेक्टर, यस इट इज अ क्वोटेशन मार्क में अगर सिंबल स्पेस भी आ रही है तो वो एज अ कैरेक्टर ही कंसीडर हो रही है। यस, हम इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी लिख रहे हैं, वेदर इट इज अ क्वेश्चन मार्क, बैक स्लैश, कॉमा, डॉट, तो वो उसे कैरेक्टर के तौर पे ही कंसीडर करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम थोड़ी सी स्लाइसिंग करते हैं इसमें। ओके एक सेकेंड, ओके हम क्या करते हैं कि इसे कर देते हैं अभी के लिए कमेंट आउट और ये वाली लाइन प्रिंट करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताए नीचे वाली लाइन का मतलब क्या? पहले तक हम रुक जाएंगे और इसमें पहले का क्या मतलब जो हो रहा है, वन इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी फोर्थ तक हम प्रिंट कराएंगे, टू से फोर्थ, यानी टू से स्टार्ट होके फोर्थ तक। और स्टेप कितने का है? वन का। अच्छा, ऊपर मैंने इंडेक्सिंग भी की हुई है, तो कोई बताना चाहेगा कि इसमें क्या क्या प्रिंट होगा, क्या आंसर आना चाहिए? AR होगा, स्पेस AR। आई आपको वाकई लगता है कि टू इंडेक्स पे A पड़ा है? मैंने ऊपर एनोटेट भी किया हुआ है, जरा एक दफा देखें प्लीज। मैम स्पेस आई थी पहले। AR, ओके ओके ठीक है ठीक है, मुझे लगा आप कह रहे हैं AR। ओके स्पेस एंड AR, ओके ठीक है। अब स्पेस आई डोंट नो आपको कितना क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ स्पेस है। अगर आप इस LO को देखें ना, ये इसके प्रिंट होने में और इसके प्रिंट होने में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये स्पेस वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है जी। या आप, हम ऐसे कर लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं थ्री इंडेक्स से और इसे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट के अंदर कुछ डाल लें, प्रिंट के अंदर एक सेकंड, नहीं मैं कर लेती हूँ एक और काम। ओके, थ्री था फोर फाइव, ये सिक्स और ये सेवन, और लेट्स सपोज हम नाइन पर चले जाते हैं। अब क्या प्रिंट होगा, कोई बताना चाहेगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग थ्री है, एंडिंग एट है। ओके चलें इसे रन करके देखते हैं हम। तो सबको नजर आ रहा है ये स्पेस भी कर रहा है प्रिंट। ओके जी, यानी ये थ्री इंडेक्स इसने स्टार्ट किया, फोर फाइव देन सिक्स, ये सेवन और ये एट, यहाँ तक आके रुक गया। ओके, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू, टू का स्टेप दे रही हूँ, अब क्या होगा, क्या कहती से प्रिंट होगी? ए प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा, आर को वो चिल्ड्रन नहीं करेगा, देन ई जी, और फिर उसके बाद स्पेस को करेगा इग्नोर और फिर एल करेगा। ट्राई करते हैं, क्लियर है सबको? यस यस मैम। हम ऐसा मुझे कह सकते हैं कि जितना हम स्टेप ऐड करेंगे वो उससे एक माइनस करके वो उतने में एलिमेंट छोड़ता जाएगा। सॉरी, आपने कहा जो स्टेप ऐड करेंगे उससे क्या होगा? वो रिवर्स किया, हमने थ्री स्टेप दिया ना उसको, तो वो दो दो एलिमेंट छोड़ता जाएगा। यस बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रही होगी ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मतलब हम लिख तो थ्री रहे हैं तो वो छोड़ तो मतलब दो को रहा है, तो आप सिंपली ये चेक कर लिया करें कि मैंने अगर वन लिखा था और मैंने स्टेप फोर का दिया था, तो मैं वन में फोर प्लस करूँ तो कितना बनता है, ठीक है? इस तरह आपको समझ आ जाएगी। तो वो फाइव बनता है, तो इसका मतलब वो फाइव इंडेक्स प्रिंट करवाएगा वन के बाद, ठीक है? टू का मतलब है एवरी सेकंड एलिमेंट जी,
टू स्टेप का मतलब है कि एक प्रिंट करवाने के बाद एक छोड़ेगा और उससे अगला प्रिंट करवाएगा, ठीक है? अगला, ठीक जी मैम. जी प्लीज, जस्ट स्पेस प्रिंट हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, कोई बताना चाहेगा कैसे होगी? जी मैम, स्पेस का इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट ही हम डाल दें. इसमें इसमें दो पॉइंट्स हैं, दोनों को ही बता दे प्लीज. अगर मैंने सिर्फ स्पेस करनी है तो मैं कैसे करूंगी? मैम अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहां पे टू डाल दें तो फिर हो जाएगा. देखिए देखिए, एक मिनट मैं हम सिर्फ स्पेस का इंडेक्स दे दें. ओके, ये मैं सुनना चाह रही थी. रीजन पता क्या है, स्लाइसिंग में हमें तीन चार चीजें देनी पड़ रही है, या हमें कॉलम्स वगैरह का सिंटेक्स देखना पड़ा है. अगर हमने सिर्फ एक चीज करनी है तो हम सिंपली उसका इंडेक्स दे दें, ठीक है? अब आपका ये क्वेश्चन होगा या किसी का भी हो सकता है कि हमें इंडेक्स कैसे पता होगा उसका. तो ऊपर हमने एक इंडेक्स का मेथड पढ़ा है, सबको याद है? मैं आपको दिखाती भी हूँ. जी मैम जी, उसमें क्या होता है, ये था, ठीक है? ओके, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी अपने रिलेटेड कैरेक्टर की कैरेक्टर का इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं इस केस में बात करूं तो मैं क्या कर सकती हूं कि लिखूं, एक सेकेंड. ओके, इस केस में मैं लिख सकती हूं कि प्रिंट स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स इनटू स्पेस का मालूम करना है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक स्पेस, ठीक है? इंडेक्स उसका है टू. तो अब मैं क्या करूंगी कि आप सिंपली क्या करो, प्रिंट कर दो स्ट्रिंग का सेकंड इंडेक्स और वो मुझे स्पेस प्रिंट कर देगा. ऑफ कोर्स अब स्पेस नजर तो नहीं आनी, लेकिन अगर आप देखें तो इसने थोड़ा सा ये मतलब ये दो आउटपुट यानी दो लाइंस जो हैं वो दी हैं. सपोज मैं एक और चीज प्रिंट करवाती हूं नीचे, प्रिंट स्ट्रिंग उसका लेट्स सपोज फोर इंडेक्स हम कर लेते हैं प्रिंट. मैम राउंड ब्रेसेस दी हुई हैं. ओके ओके ओके, और फोर इंडेक्स और उसके बाद ये क्लोज. और तो ये मेरा ख्याल है सबको पता चल रहा होगा कि ये लाइन उसने सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि वहां एक चीज वो प्रिंट करवा रहा है जो कि स्पेस है. जिनका क्वेश्चन था हमने क्लियर हो गया. ओके, ये लाइन हमने तकरीबन कर ली है, हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब एक दफा. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे मैंने जो उसे गिवन दिया है उसमें मैंने क्या उसे वैल्यू दी है और वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यूज लेगा, और अगर लेगा तो वो कौन सी वैल्यूज होंगी? मैम ये स्टेप का लेगा. ओके, स्टार्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 लेगा. ओके, एंडिंग पॉइंट जो हमारी लेंथ है 36 लेगा, और स्टेप हमें 3 दिया यानी कि वो 3 का गैप लेगा उसमें. अच्छा अच्छा, एक सेकंड मैं यहां क्लियर करना चाहूंगी. अभी आपने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट वो 0 लेगा, एंडिंग पॉइंट वो 36 लेगा, सब इससे मुत्तफिक करते हैं, मतलब इस बात से इत्तेफाक करते हैं? वो मैम 37. यस, वो एंडिंग पॉइंट 37 लेगा. और कोई रीजन बताना चाहेगा? वैसे मैं चले मैं क्लियर करती हूँ पहले आपको. लेट्स सपोज मैं इसे पहले एक दफा इसे ऐसे प्रिंट करवाती हूँ. ओके, पहले बात पूरी कर ले. स्टार्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट लेगा, एंडिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट लेगा, एंड तक मूव करेगा, और स्टेप वो 3 का लेगा, ठीक है? इसका मतलब ये पूरी स्ट्रिंग में मूव करेगा, लेकिन कुछ इस तरह मूव करेगा. सबसे पहले वो 0 इंडेक्स करवा देगा प्रिंट, देन 3 का डिफरेंस लेगा. 3 का डिफरेंस का मतलब ये है कि वो 2 को छोड़ता जाएगा, ठीक है? 2 को इग्नोर करेगा, उससे अगले वाले को प्रिंट करवा देगा, फिर 2 को छोड़ेगा, फिर उससे अगले वाले को प्रिंट करवाता जाएगा और एंड तक जाएगा, ठीक है? इसकी आउटपुट देखते हैं और फिर मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करती हूँ. तो ये काफी अजीब सी आ रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि ये W उसने प्रिंट करवाया, देन E और स्पेस को छोड़ के A, फिर R और E को छोड़ के उसने फिर स्पेस प्रिंट करवाई है, फिर उसने L और E को छोड़ के फिर A प्रिंट करवाया है, देन R और N को छोड़ के I प्रिंट करवाया, N और G को छोड़ के स्पेस प्रिंट करवाई है, फिर A प्रिंट करवाया है, और इसी तरह वो नेक्स्ट मूव करता जा रहा है. सबको क्लियर है? यस मैम. ओके, अच्छा अब मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर मैं यह 36 लिखूं क्या जो अभी आउटपुट आई है फर्क आएगा? जी मैम बिल्कुल आएगा. ओके, और क्या आएगा? नहीं आएगा कोई भी डिफरेंस. मैम वो 35 इंडेक्स तक आएगा ना, फिर अगर हम 37 लिखेंगे तो फिर वो 36 इंडेक्स आएगा. यस,
अच्छा आप सब नोट करें, इस आउटपुट पे हमारे पास लास्ट पे डॉट आ रहा है। यस मैम। जी मैम। ओके रन करके आप देखते हैं आप क्या होता है, डॉट खत्म हो गया। इसका मतलब मैंने जब 36 लिखा था तो उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि आपने 36 लिखा है तो इसका मतलब मुझे इसमें से माइनस वन करना है जो कि आएगा 35, और वो कहेगा कि ये प्लीज लाइंस ना लगाएं। ओके 35 तो वो कहेगा ठीक है मुझे समझ आ गई, मैंने जीरो से लेके ना 35 तक मूव करना है, और वो लास्ट एलिमेंट को या लास्ट कैरेक्टर को यानी 35 के बाद आने वाली किसी भी चीज को इग्नोर कर देगा। ओके और जब मैं ये कहती हूँ ना कि बाय डिफॉल्ट वो एंड तक मूव कर रहा है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो जो वैल्यू ले रहा है ना यहाँ पे वो एन ले रहा है यानी लेंथ ले रहा है 37। तो जब वो 37 लेगा उसमें से हमेशा माइनस वन होके आपका लास्ट कैरेक्टर ही आएगा, यानी लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स ही आएगा। क्लियर हो गया सबको इस बार, मतलब ये चीज क्लियर हुई है? जी मैम। ओके ठीक है, उससे नेक्स्ट वाले में कोई बता सकते हैं क्या हो रहा है हमारे पास? मैंने 7 लिखा है, 7 क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट आपने दे दिया। ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया, एंड पॉइंट बढ़ा मतलब क्या? ओके स्टेप का लिखा, स्टेप वो 0 को यानी कि वो जो जो भी उसकी वैल्यू है उसमें वन एड करके अगले इंडेक्स पे, वन एड करके अगले इंडेक्स पे मूव करता जाएगा। ठीक है अगर हम कहेंगे ना जीरो का ले रहा है स्टेप, इसका मतलब वो वही खड़ा है, वो तो मूव ही नहीं कर रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आप या तो हर सीढ़ी पे पाँव रख सकते हैं तो इसका मतलब आप एक एक स्टेप ले रहे हैं। ठीक है या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी पे रख रहे हैं तो इसका मतलब आप दो का स्टेप ले रहे हैं। ये क्लियर है सबको? हम ये नहीं कह सकते कि जीरो का स्टेप ले रहे हैं लेकिन स्टिल वी आर मूविंग, हम नहीं मूव कर सकते, हम वही खड़े रहेंगे। ओके जी मैम क्लियर है। ठीक है ये हमारे पास 7th था इंडेक्स, इससे लेके उसने एंड तक सारा प्रिंट करवा दिया। तो स्लाइसिंग सबको क्लियर है? आगे भी इसके रिलेटेड एक चीज है और वो शायद थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो यहाँ प्लीज मुझे बता देंगे सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म का भी? नो मैम क्लियर है मैम। ओके ठीक है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कल की क्लास ली है लेकिन कल मैंने आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग समझाई थी तो प्लीज मुझे ना एक दफा हैंड रेज करके बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने रिपीट करनी है कि नहीं। मैम निम्रा चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है वो टॉपिक से रिलेटेड है क्या? मैंने देखा नहीं आप क्या पढ़ा रही थी, वो आप चेक कर लें। जब मैं तो चैट में सारे क्वेश्चन चेक कर रही हूँ वैसे। जी मैम स्लाइसिंग ओके एलिवेटर पे वो बात कर रहे थे ये जब मैंने ना एग्जांपल दी थी सीढ़ियों, जी सीढ़ियों की एग्जांपल दी थी तो उस पे इन्होंने एलिवेटर का। जी प्लीज हैंड रेज कर दें मुझे आइडिया हो जाए। चले मैं रिपीट ही करती हूँ। ओके जो नेगेटिव इंडेक्सिंग था उसमें ये था। जी जी मैं रिपीट कर रही हूँ जो बोल रही है प्लीज वो भी बता दे, मैं आपको ही फॉलो करती हूँ, आप बोल रहे हैं और मैं करती हूँ वर्क। अब मुझे प्लीज पहले एग्जांपल के तौर पे बताएं कि मैं स्ट्रिंग क्या लूं। स्ट्रिंग जरा हेलो लिखा हुआ है यही ले लें। चलें हेलो ले लेते हैं। हेलो ले लिया। ओके ओ सॉरी ठीक हो गया हेलो लिख लिया। देन हमने क्या करना है? जो नेगेटिव इंडेक्सिंग था उसका ये था कि लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल हेलो में इधर हमारे पास जीरो है, ओ है ना लास्ट पे, तो ये इसका इंडेक्स हमारे पास माइनस वन होगा। थोड़ा ना थोड़ा स्लो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं पता। अगर मैं माइनस वन लिखती हूँ तो इसका क्या मतलब है आप मुझे बताना चाहेंगे? इंटरप्रेटर इस पे कैसे वर्क करेगा? इस पे ओ आएगा ना यानी इसका इंडेक्स ओ होगा। ओ प्रिंट करेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं लेकिन प्लीज मुझे ये बताएं कि इंटरप्रेटर इसे कैसे कंसीडर करेगा, कैसे वर्क करेगा इस पे? मम्मी फोर वाले इंडेक्स को शो करेगा यानी उसे कैसे पता है कि मैंने फोर वाले इंडेक्स को शो करना है? मैम इसकी लेंथ 5 है ना? यस Yes. तो 5 माइनस 1 करेगा तो यानी, वो 4 आएगा। यानी वो n लेगा एक वेरिएबल, लेट्स सपोज उसमें वैल्यू स्टोर करवा रहा है 5, वो कहेगा कि ठीक है
ये जो आप चीज दे रहे हैं, जो आप मुझे स्ट्रिंग दे रहे हैं, उसकी टोटल लेंथ 5 है, ठीक है? तो जब मैं उसे कहूंगी ना माइनस वन, तो सबसे पहले क्या करेगा वो 5 को लेके जाएगा, 5 में से माइनस वन करेगा, तो माइनस वन करने पे क्या आंसर आता है? 4. यस, तो वो समझ जाएगा कि जब कोई मुझे माइनस वन कह रहा है तो इसका मतलब जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स है हमारी स्ट्रिंग का वो है, ठीक है? और इन केस अगर वो माइनस टू कह रहा है तो अब क्या होगा? 3 आ जाएगा, यानी वो किस इंडेक्स को शो करेगा? इस इंडेक्स को. यस, यानी अच्छा अब मैं इसे बताना चाहूंगी, एक सेकेंड, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग करती हूँ ना, ये थोड़ा सा प्लीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं थोड़ा नीचे लिख रही हूँ. 0 यानी एच की, ई को कहेंगे 1, एल को कहेंगे 2, देन 3 और फिर 4. ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग थी, यानी हम इस तरह मूव करते थे, 0 से स्टार्ट करते थे और एक एक ऐड करते जाते थे. इन केस अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करें तो हम कैसे मूव करेंगे? माइनस 1, माइनस 2, देन आ जाएगा हमारे पास माइनस 3, और फिर उससे नेक्स्ट वाला जो है वो आ जाएगा माइनस 4, और उससे नेक्स्ट वाला जो है वो क्या होगा? माइनस 5. अच्छा, अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं ना, इस एच को, तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये माइनस 5 जो है वो इसी एच को कर रहा है? मैं चेक कर लेती हूँ, मेरे पास लेंथ थी 5, 5 में से जब मैंने माइनस 5 किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? चैट बॉक्स में तो लोग कह रहे हैं कि हमें समझ आ गया, बाकी लोगों को भी प्लीज बता दें समझ आ गई, क्योंकि मैं नेक्स्ट मूव करना है. यस मैम, क्लियर है, प्लीज आप आगे मूव करें. ओके, तो इसका मतलब आप पता है क्या है, मैंने आपको ये ऐसे समझ लें, मैंने ना आपको एक उसके ओरिजिनल नेम बता दिए, ठीक है, और एक मैंने उनके ना निक नेम बता दिए, कि अगर मैं उसे 0 कहूंगी तो भी वो इस वैल्यू को लेके आएगा, ठीक है, और अगर मैं उसे माइनस 5 कहूंगी तो भी वो इस वैल्यू को लेके आएगा. ओके, इसी तरह अगर मैं माइनस 2 कहती हूँ या मैं 3 कहती हूँ तो वो किस वैल्यू को लेके आएगा, किस करेक्टर को लेके आएगा? वो एल को लेके आएगा. ओके, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम अगर किसी भी करेक्टर को असेस करना चाह रहे हैं तो दो तरीकों से असेस कर सकते हैं, उसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग से और उसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग से. ओके, यस मैम, यस, ठीक है. ओके, और अब कोई बताना चाहेगा कि ये जो मैंने लिखा है, मैम एक क्वेश्चन था मेरा, प्लीज मैम, अगर -6 लिख दिया जाए टोटल तो वो जो करेक्टर है वो तो 5 थे, तो फिर 0 प्रिंट करेगा क्या करेगा, या एरर दे देगा? एरर देगा. आप मुझे एक बात बताएं, जब हम लिखते थे कि आप करेक्टर वो वाला प्रिंट करवाएं जो 5 इंडेक्स पे है, या लेट्स सपोज 6 मैंने लिखा हो, तो वो क्या एरर देता था? लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही एरर देगा कि आपने जो रेंज दी है या आप जो इंडेक्स दे रहे हैं वो आउट ऑफ रेंज है, ठीक है? अब पहले ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे. अच्छा, सबको याद होगा ऊपर हम क्या करते थे कि कोई भी पॉजिटिव जब नंबर लिखते थे तो वो उसके वैल्यू ले आता था, करेक्टर को प्रिंट कर देता था. तो इस केस में कोई बताना चाहेगा क्या प्रिंट होना चाहिए? यानी हमारा लास्ट वाला करेक्टर. ओके, 0, सॉरी, ओ, ओके, और अगर मैं लिखती हूँ -2, अब क्या प्रिंट होना चाहिए? सॉरी नहीं, 2 नहीं, हम करते हैं -4, अब क्या प्रिंट होना चाहिए? 5 - 4 = 1. सॉरी, ओके, ठीक है. अब जिनका क्वेश्चन था मैं वो ट्राई करती हूँ, -6, -1, 0 प्रिंट होगा मैम. 5 - 6 जो है, देखिए -6 जो है वो रिप्रेजेंट, अब देखिए ना -5 कहाँ खड़े हैं हम, 0 इंडेक्स पे,
तो अगर माइनस सिक्स है इसका मतलब उससे भी नेक्स्ट हमें जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो इंडेक्स है वो खत्म हो रहा है, हम मजीद नेगेटिव इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, वहीं तक कर सकते थे जो हमने कर ली, और ये हमें एरर दे रहा है कि स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये बिल्कुल इसी तरह का एरर। ओके मैं एक दफा आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग से भी ट्राई करके दिखा देती हूँ, सपोज मैं इसका सिक्स इंडेक्स प्रिंट करना चाह रही हूँ, यही सेम एरर देगा, आपका जो आपने जो स्ट्रिंग दी है उसकी लेंथ जो है वो इतनी है ही नहीं, और उसमें तो ये कैरेक्टर ही नहीं है जो आप कह रही हैं कि प्रिंट करवाएं। ओके समझ आ गई। मैम जब हम स्टेप दे रहे थे, जब मैम हम स्टेप 6 दे रहे थे तब तो वो एच को प्रिंट कर रहा था ना, उस केस में हो क्या रहा था, उस केस में हम सिंपली क्या कर रहे थे, उसे जब स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे थे ना तो वो कह रहा था और कुछ मुझसे हो या ना हो, आगे मुझे समझ आए या ना आए, कम अज कम आपने जो मुझे शुरू शुरू में कह दिया यानी स्टार्ट करने का कह दिया वो तो मैं आपको प्रिंट करके दूं ना, तो उसने वो वैल्यू प्रिंट कर दी, लेकिन आगे जब चेक किया कि स्टेप लो तो उसने कहा भाई मेरी रेंज से बाहर है मैं आगे प्रिंट ही नहीं कर सकता, तो मैंने आपको ये वैल्यू दे दी है बस ठीक है। तो मैम अगर आप यहाँ पर स्टेप को 6 दें माइनस 6 दें तो तब वो ओ ही प्रिंट करेगा, हम यहाँ स्टेप नहीं दे रहे, आप थोड़ा समझें, यहाँ स्लाइसिंग हो ही नहीं रही, यहाँ सिंपल हम अपना करेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं बाई यूजिंग इट्स इंडेक्स, उसका इंडेक्स नंबर यूज करके हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं, स्लाइसिंग तो हो ही नहीं रही, कोई बताना चाहेगा कैसे पता चला स्लाइसिंग नहीं हो रही, कॉलम नहीं है इंडेक्स नंबर, यस देयर इज नो कॉलम, यस तो आपको क्लियर होगा। ओके कैसे नेक्स्ट हम मूव करते हैं, टाइम काफी कम रह गया। अच्छा मैंने उसे लिखा है कि कोई वैल्यू नहीं दी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेगा वो, हाँ इस केस में मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रही कि वो क्या, मैं अब स्लाइसिंग कर रही हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो इसका क्या मतलब, वो क्या लेगा बाय डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो स्टार्टिंग पॉइंट जीरो पे बाय डिफॉल्ट, यस ओके मैंने कुछ इस तरह लिखा हुआ है वहां, अब मैं इसे एनोटेट करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, तो एंडिंग पॉइंट में तो मैंने कुछ अजीब से लिख दिया, माइनस वन लिख दिया, तो उसे क्या समझ आएगी कि माइनस वन का क्या मतलब है, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो हो गया, रिवर्स में जाएगा तो मेरे ख्याल से उसे भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि जब भी इंटरप्रेटेड नेगेटिव वैल्यू देखते हैं तो सबसे पहले क्या काम क्या करता है, इंडेक्स पे पड़ेगा, लेंथ में से वो लेंथ पे से माइनस करता है, यस यस वो सबसे पहले अपनी लेंथ लेके आता है जो कि 5 है इस केस में, उसमें से क्या माइनस करता है जो हमने ये वैल्यू दी है, माइनस वन किया तो इसका क्या मतलब है, फोर फोर यानी फोर इंडेक्स तक जाना है। ओके क्लियर हो गया, तो एंडिंग पॉइंट उसने क्या लेना है अब, फोर फोर ठीक है, और बाय डिफॉल्ट स्टेप कितने का ले रहे हैं, वन का, इसका मतलब वो जीरो इंडेक्स से लेके फोर तक तो नहीं, फोर से पहले तक प्रिंट करवाएगा यानी एल तक प्रिंट करवाएगा, रन करके देखते हैं इसे कैसे ही हो रहा है। मैम फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग करने की क्या जरूरत है, हम इससे भी नॉर्मल भी लेके जा सकते हैं। ओके मैं आपको आगे बताती हूँ, ये प्रिंट हो रहा है, सबको क्लियर है, जी मैम। ओके अगर मैं, अच्छा इसमें मैं क्या करती हूँ, लेट्स सपोज, अच्छा इसे चले रहने दें, नेक्स्ट में हम करते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा कि उसे स्टार्टिंग पॉइंट में दिया, एंडिंग पॉइंट में नहीं दिया, और मैंने उसे माइनस वन का दे दिया स्टेप, अब क्या होगा, कोई जस्टिफाई करेगा इस आंसर को कि ये क्यों आया, कैसे आया, मैं वो जीरो माइनस करेगा तो आएगा वैल्यू माइनस वन, लेकिन मैं तब से कही जा रही हूँ बार बार कि बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो जीरो होता है, तो इसका मतलब तो इसे वो प्रिंट करवाना चाहिए था ना एच सबसे पहले, ऐसा नहीं है, क्या ख्याल है आप लोगों का, लेकिन मैम टोटल स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसमें से एक नफी हो रहा है ना, एक माइनस होगा तो वो हमारे पास शुरू में वो आएगा, मैम उसे हमने स्टेप माइनस वन दिया, पहले तो एच प्रिंट होना चाहिए था।